भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन कर एक ज्ञापन उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल को जिलाधिकारी मुरादाबाद के माध्यम से भेजा, जिसमें मांग की गई कि तमाम पीड़िता न्याय के लिए अधिकारियों के चक्कर लगा रही है तथा उसको पुलिस अपराधी गठजोड़ के चलते न्याय नहीं मिल रहा है। थाना मझोला मुरादाबाद में मुकदमा अपराध संख्या 1130/21 धारा 376D, 323 IPC व 5/6 पॉस्को एक्ट में शफीक आदि के नाम दर्ज कराई गई थी, जिसमें रुखसार का नाम भी अभियुक्त नंबर 5 पर अंकित है। अभी तक मुजरिम गिरफ्तार नहीं हुए हैं, जबकि रुखसार ने पीड़िता के परिचित को बलात्कार का झूठा आरोप लगाकर जेल भिजवा दिया है और अब पीड़िता पर मुकदमा वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। एसओ सिविल लाइन्स धरना स्थल पर पहुंचे और ज्ञापन देकर धरना दे रहे लोगों को आश्वस्त किया कि आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। INN न्यूज के लिए शारिफ खान की रिपोर्ट। तीन लोग पकड़ने जा रहे हैं और इनमें यहाँ पकड़वा दे, अगर नहीं पकड़ेगा तो हम तो जाएंगे हर खाते मर जाएंगे। किस बात के दोषी हैं वो जो पकड़े नहीं जा रहा है? ये दोषी है जो अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। क्या करा है इन्होंने? इन्होंने मेरे साथ बलात्कार किया जबरदस्ती। कौन कौन लोग हैं, नाम बताएं उनके? इनका नाम है गुलाम जिलानी और एक खैज भी है और एक वो है खान। तीनों आरोपी हैं यहाँ? हाँ जी। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था आपने पाकबड़ा में? हाँ कराया था, कोई कुछ नहीं कर दिया है। तीनों में से कोई आरोपी नहीं पकड़ा गया अभी तक? नहीं पकड़े गया कोई। आप आज भूख हड़ताल पे बैठे हो? हाँ बैठे हैं और 3-4 महीने होने वाले हैं, अभी तक कोई नहीं पकड़े गया तीनों में से। कब तक जारी रहेगी आपकी भूख हड़ताल? जब तक वो नहीं पकड़े जाएंगे तीनों आरोपी। किसी अधिकारी से संपर्क किया था? किसी अधिकारी से बात करने की कोशिश की थी आपने? की थी लेकिन अभी तक जवाब नहीं दिया। कितने लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं? चलाते हैं वो पुलिस के सैंक्शन में खुले हुए घूम रहे हैं और यहाँ पीड़िता SSP महोदय के यहाँ चक्कर लगा रही हैं, DM साहब के यहाँ चक्कर लगा रही हैं, DIG महोदय के यहाँ चक्कर लगा रही हैं, लेकिन अपराधियों की गिरफ्तारी मुरादाबाद की पुलिस नहीं कर रही। दूसरा मजेदार खेल, मझोला थाने में मुकदमा संख्या 1130/21 धारा 376D, 323 IPC 5/6 पाक्सो एक्ट के तहत शफीक और रुखसार आदि के नाम मुकदमा पंजीकृत है। शफीक को जेल भेज दिया गया जो मुख्य अभियुक्त था, लेकिन बाकी जो 4-5 थे वो खुलेआम पुलिस के रहमो करम पर घूम रहे हैं और पुलिस के साथ बैठ कर चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। जो 5 नंबर पर अपराधी है मुकदमा संख्या 1130 में रुखसार, उसने कटघर पुलिस से मिल करके जो जयंतीपुर में रहती है और उसका मकान है, और रात रात में उनने रहमत नगर का एड्रेस दिखा करके और जो इस मुकदमे में पैरवी कर रहा था कासिम अली, उसके खिलाफ बलात्कार का मुकदमा कटघर पुलिस में दर्ज करा दिया और कटघर पुलिस ने बिना किसी सबूतों के, बिना किसी जांच के उस निर्दोष मरीज को जो हार्ट पेशेंट भी है उसको कल जेल भेज दिया। हम पूछना चाहते हैं यहाँ के अधिकारियों से कि आपने एक मजदूर को जो निर्दोष है उसे तो तुरंत जेल भेज दिया और जो अपराधी हैं वो खुले घूम रहे हैं, वो बलात्कारी खुले घूम रहे हैं, वो पीड़िताएं यहाँ बैठी हैं, क्या चाहते हैं? लेकिन जो है वो आज तक गिरफ्तार नहीं हुए। क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं ये पुलिस न्याय के लिए बनाई है और इनसे महिलाएं न्याय की गुहार लगाती हैं, लेकिन न्याय की उम्मीद इनसे उठ गई है। उन बलात्कारियों को, गैंगरेप करने वालों को, सेक्स रैकेट करने वालों को उनकी तत्काल गिरफ्तारी हो और कटघर पुलिस ने जो फर्जी मुकदमा कासिम के खिलाफ लिखा है उसे तत्काल निरस्त किया जाए और मुकदमा लिखाने वाली जो रुखसार है उसकी गिरफ्तारी तत्काल हो। ये हमारी पाकबड़े का मामला ये है। पाकबड़े में एक सेक्स रैकेट चलता था और उसी में इस नाबालिग बच्ची को उन्होंने फंसा लिया अपने जाल में, इसके साथ गैंग रेप हुआ, इसने पाकबड़े में मुकदमा दर्ज कराया, लेकिन जो इनके साथ पैरवी कर रहे थे वहाँ की पुलिस ने भी हमसाज होकर उन्हीं के खिलाफ एक मुकदमा लिख दिया पैरवी करने वालों को। जब दबाव बना तो वो मुकदमा निरस्त हुआ और पाकबड़े की पुलिस उन अपराधियों को जो जिलानी है, जो मेन है वहाँ पर, और गुलाम है, जो फैजान है, इनको वहाँ की पुलिस बचाने में लगी हुई है। पुलिस कह रही है हम जांच करा रहे हैं, हम जांच करेंगे और आज तक वो अपराधी नहीं पकड़े जा रहे और इन पर दबाव बनाए जा रहे हैं। जिलानी जो है किसी पार्टी से जुड़ा है?
मैं नहीं कह सकता किससे जुड़ा हुआ। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।